हेलो साथियों, वेलकम टू अपेक्स टेक्निकल एजुकेशन। दोस्तों आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, और कार्बोरेटर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस में लेआउट ऑफ चेसिस और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और भी टाइप्स ऑफ ड्राइव्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से उस वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। तो कार्बोरेटर इंजन का आपको एक पार्ट होता है, यह इंजन का मेन पार्ट होता है। ये इंजन का एक मेन पार्ट होता है जिसमें एयर व फ्यूल की मिक्सिंग होती है, जिसके गवर्नर की सहायता से सिलेंडर में भेजा जाता है। इसका यूज पेट्रोल इंजन में किया जाता है या वेंचुरी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। दोस्तों कार्बोरेटर जो होता है आपका एक तरह का बहुत इंजन का मेन पार्ट होता है, जिसमें एयर व फ्यूल, जो आपका एयर होता है एटमॉस्फेरिक, और जो फ्यूल है, फ्यूल जो है आपका दोस्तों जो भी पेट्रोल है डीजल है, उसकी मिक्सिंग होती है, जिसको गवर्नर के थ्रू, गवर्नर जो होता है, गवर्नर एक पार्ट होता है दोस्तों, गवर्नर की सहायता से हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंडर में भेजते हैं, सिलेंडर में भेजा जाता है। इसका यूज पेट्रोल इंजन में किया जाता है। इसमें कार्बोरेटर का उपयोग हम क्या करते हैं दोस्तों, सिर्फ पेट्रोल इंजन में करते हैं। वेंचुरी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट देखिए, इसका जो मेन पार्ट्स है कार्बोरेटर का वो देख लेते हैं। कार्बोरेटर के अंदर मेन पार्ट जो होता है, चोक वाल्व होता है, वेंचुरी होता है दोस्तों, थ्रोटल वाल्व होता है, फ्लोट चैम्बर होता है, फ्लोट वाल्व होता है, स्ट्रेनर, फ्यूल डिस्चार्ज नोजल। अब देखिए हम लोग कार्बोरेटर का एक डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पर डायग्राम में समझ लेते हैं कि आपको कार्बोरेटर कैसे वर्क करता है दोस्तों। तो देखिए फिर इसके अंदर क्या होता है, फ्यूल इन होता है, हम फ्यूल जैसे ही डालते हैं, स्ट्रेनर रहता है। स्ट्रेनर क्या करता है दोस्तों, आपके फ्यूल को छानता है, यानी कि फिल्टर करने का काम करता है। फ्यूल ऐसे आता है आपका फ्लोट चैम्बर, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोट चैम्बर कहते हैं दोस्तों। फ्लोट चैम्बर होता है, फ्लोट चैम्बर के अंदर हमारा फ्यूल आता है, उसके अंदर एक फ्लोट वाल्व रहता है। फ्लोट वाल्व क्या होता है दोस्तों, ये आपका जो फ्यूल जिस रास्ते से आ रहा है, जब हमारा फ्यूल भर जाता है तो ये क्या करता है दोस्तों, इसको बंद कर देता है। जो हमारा फ्यूल अंदर आ जाता है तो इसको बंद कर देता है। उसके बाद क्या होता है देखिए दोस्तों, एयर इनलेट, यहाँ से आपका एयर आ रहा है और क्या करता है कि फ्लोट चैम्बर के द्वारा क्या होता है दोस्तों, आपका फ्यूल डिस्चार्ज नोजल के थ्रू क्या होता है, आपका वेंचुरी में जाता है। वेंचुरी में आपका स्पार्किंग होता है दोस्तों, सॉरी, वेंचुरी के अंदर आपका जो है छिड़काव होता है आपका फ्यूल का, और जो एयर आता है, एयर और थ्रोटल वाल्व जो होता है आपको दोस्तों, थ्रोटल वाल्व के जरिए आपका क्या होता है, थ्रोटल वाल्व आपका इसे सीधा हो जाता है, जिसके जरिए आपका फ्यूल और एयर का मिक्सचर हो जाता है आउटलेट वाल्व में। और यहाँ पर देखिए चोक है, चोक वाल्व, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बाइक में भी होता है, सब कुछ में होता है। तो चोक वाल्व क्या होता है दोस्तों, देखिए चोक वाल्व जैसे हम लोग इसे क्लोज कंडीशन में होता है तो आपका एयर नहीं आता, जब गाड़ी चलता रहता है तो आप बंद करते रहते हैं जब चालू करते वक्त। अब जैसे कि अब हम इसको खोल देंगे तो क्या होता है, आपका एयर, जब गाड़ी हमारा जब चालू रहता है, चालू करना होता है, तो हम एयर इनलेट करते हैं, जिसकी वजह से हम चोक वाल्व क्या होता है आपका क्लोज कंडीशन में रहता है दोस्तों। तो आई होप कि आपको वर्किंग कंडीशन भी समझ में आ गया होगा कैसे होता है। एक बार और समझ लीजिए कि आपका फ्यूल जाता है स्ट्रेनर में, स्ट्रेनर क्या करता है, फ्यूल को फिल्टर करता है, फिल्टर के बाद आपका फ्लोट चैम्बर में आता है, फ्लोट चैम्बर के नोजल के थ्रू क्या होता है, वेंचुरी में जाता है, और एयर इनलेट होता है इनलेट वाल्व के थ्रू, और क्या करता है कि आपका थ्रोटल वाल्व के जरिए ही एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ पर हो जाता है, और आउटलेट के जरिए आपका क्या होता है कि आपका फ्यूल सिलेंडर के अंदर चला जाता है दोस्तों। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस चैप्टर का PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।